हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें ऑनरशिप के बारे में पढ़ा था कि जैसा कि हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत जो यूनिट नंबर 1 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसका एक सब टाइटल है 1.3 करके, उसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ ओनरशिप। तो हम लोगों ने टाइप ऑफ ओनरशिप पढ़ा था, तो जिसमें टाइप ऑफ ओनरशिप में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओनरशिप पढ़ी थी। तो उसमें हम लोगों ने एक सोल ट्रेडिंग या एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ा था। एकल स्वामित्व क्या होता है, एकल स्वामित्व के फायदे क्या हैं, और एकल स्वामित्व के नुकसान या इसकी हानियाँ क्या हैं, तो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और एकल स्वामित्व क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत से पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने उसमें बहुत सारे फायदे भी थे एकल स्वामित्व में, और कुछ नुकसान थे। तो जो उसकी जो हानियाँ थी, जो नुकसान था, उसको दूर करने के लिए हम लोगों का जो ओनरशिप है उसका दूसरा प्रकार आया, पार्टनरशिप। तो आज हम लोग जैसा कि एकल स्वामित्व में हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी थी कि एकल स्वामित्व में कि आदमियों के पास में जो पूंजी होती है वो सीमित होती है। सीमित पूंजी के कारण वो अपनी जो फैक्ट्री है उसको, फैक्ट्री या कंपनी या जो भी उसका उपक्रम है उसको वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं कर सकता। और एकल स्वामित्व है तो सारी की सारी लायबिलिटी, समस्त लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी जो ओनर है उसी की हो जाती है। और उसमें जो एक ही आदमी होता है वो सभी कार्य, सारे कार्य में दक्ष नहीं हो सकता। तो इससे कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन पर या उसके एफिशिएंसी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। और अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कई बार मान लो कि आदमी अच्छा काम कर रहा है, कोई मालिक है अच्छा काम कर रहा है, उसकी कोई मृत्यु हो जाए तो उसका ऐसा नहीं कि उसके उत्तराधिकारी उसमें भी उतना ही सामर्थ्य हो जितना उसमें था, तो उसकी योग्यता और उतना ही सामर्थ्य हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इससे पूरा उसका व्यापार है वो पूरा बिगड़ सकता है। और हमने यही पढ़ा था कि कई बार जो उसका लॉस प्रॉफिट खुद का उनका इंडिविजुअल को होता है, तो उससे खुद की प्रॉपर्टी भी कई बार बिक सकती है, वो तो कंपनी का नहीं होता, कोई इंडिविजुअल का लॉस होता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे भी थे और ये इसके कुछ नुकसान थे। तो इस नुकसानों को ध्यान में रखते हुए उन नुकसानों को कैसे अवॉइड करें, उसके लिए हमारे पास में एक अगला स्वामित्व का प्रकार आया, उसको बोलते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप। तो आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट है, इस सिंगल ओनर जो हमारा कमी थी सिंगल ओनर में, वो इसके अंतर्गत उनको वो कमियां दूर हो जाएंगी। इस सिंगल ओनर बिकेम इनएडिक्वेट एज द साइज ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज ग्रोज। तो एक कोई सिंगल ओनर है तो उसका जो इनएडिक्वेट होता है कि उसका बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने के लिए, मे नॉट बी इन पोजिशन टू डू एन एवे विद ऑल द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसकी सारी की सारी ड्यूटी हैं, अनलिमिटेड ड्यूटी हैं, बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे उसको, एक आदमी सारे कार्य में दक्ष नहीं होता है। यह सिंगल ओनरशिप की कमियाँ थी। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल ओनर मे विश टू एसोसिएट विद हिज मोर पर्सन हु हैव आइदर कैपिटल टू इन्वेस्ट और पोजेज स्पेशल स्किल एंड नॉलेज टू मेक द एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टिल मोर प्रॉफिटेबल। सच इसमें क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ में एसोसिएट होगा, बहुत सारे ग्रुप के लोगों के साथ में एसोसिएट होगा, जिससे कि उसको कैपिटल मिलेगा, और अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग स्किल होती है, अलग अलग नॉलेज होती है, वो उसके बिजनेस में लगेगी। बिजनेस में लगेगी तो उसका जो बिजनेस है वो अच्छे से, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के से होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो वही है इसमें लिखा हुआ है, सेम चीज़ मैंने बताया, वो सेम चीज़ हम लोगों ने नोट्स में लिखा है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था है जिसमें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने अथवा स्वामित्व रखने तथा उसमें होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए निजी धन, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं।
आगे समझ कि जो हमारा साझेदारी है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संस्था है, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र स्वतंत्र इच्छा से वैधानिक रूप से व्यापार को चलाने, अपना स्वामित्व रखने और सामूहिक लाभ के लिए, वो सामूहिक लाभ के लिए क्या करेगा, अपना निजी धन होगा, संपत्ति लगाएगा, अपना श्रम लगाएगा, कुशलता का, वो सामूहिक रूप से सब लोग समूह बनाकर उसका जैसी जैसी जिसकी योग्यता वैसा वो कार्य करेगा और उसका सामूहिक रूप से उसका प्रयोग करते हैं। जिस व्यापार के दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं, कोई भी व्यापार जिसके दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं, उनका आपस में निश्चित व्यापारिक समझौता होता है, उसे साझेदारी कहेंगे। तो एक हमारा एक एक्ट था, इंडिया में एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया कि जब दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं तो उसमें एक आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनमें जो समझौता होता है उसी को साझेदारी कहते हैं। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका शेड्यूल 4, उसमें साझेदारी का डेफिनेशन दिया हुआ है। साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो परस्पर किसी व्यवसाय के लाभ में भाग लेने हेतु संगठित हैं। कि कोई भी वो संगठित क्यों हैं, क्योंकि उनको कोई व्यापार करना है, तो कोई आपस में मिलकर एक व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए वो संगठित हैं। तथा जिसका संचालन सब अथवा उनमें से किसी एक प्रतिनिधि बनकर करता हो, जो व्यक्ति व्यापार में भाग लेते हैं उनको साझेदार कहा जाता है और ऐसी और संस्था को फर्म कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग कंपनी एक्ट के अनुसार जो बैंकिंग बिजनेस के लिए साझेदारी की अधिकतम संख्या 10 है और नॉन बैंकिंग के लिए 20 है। साझेदारी दो प्रकार से बनाई जाती है, एक ओरल एग्रीमेंट, दूसरा रिटन एग्रीमेंट। एक मौखिक, हम लोगों जैसे मौखिक बोल देते हैं उससे भी हमारी साझेदारी बनेगी, दूसरा लिखित, नहीं सारे काम लिखित कर लेते हैं, जो भी नियम शर्त हैं वो एक अपन रिटर्न कर लेते हैं, तो उसको रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट किया जाता है। तो एक इसके लिए डीड करते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो ऑथोरिटी, जो क्या ऑथोरिटी रहेंगी, राइट्स ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर, इट्स शुड कवर ऑल द एरिया ऑफ दिस एग्रीमेंट अमोंग द पार्टनर, इट्स शुड स्पेसिफाई लॉ हाउ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिवाइडेड अमोंग द पार्टनर। इसमें हम लोग जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को का एक रिटर्न में लेखा जोखा रखते हैं, जिसमें किस तरीके से हम लॉस और प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ एडवांटेज हैं, उन एडवांटेजों को हम देखने की एक एक को देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो नुकसान था, जैसे हम लोगों ने सिंगल ओनरशिप था या सोल ट्रेडिंग था, उसमें एक जो कैपिटल था लिमिटेड था, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में ज़्यादा लोग एक सामूहिक रूप से संगठित होकर कोई कार्य करेंगे तो वहाँ पे कैपिटल की लार्ज कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा। तो पहला है इसका, लार्ज कैपिटल इज अवेलेबल। सेकंड है, फर्म पोजेस मोर बेटर टैलेंट जजमेंट एंड स्किल। इस जो फर्म है इसमें अलग अलग लोग आएंगे तो अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग स्किल होगी, अलग अलग नॉलेज होगा, तो जो वो काम है वो अधिक दक्षता के साथ और अच्छे अधिक कुशलता के साथ क्रियान्वित होगा। इट कैन बी स्टार्टेड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसेस ऑफ रजिस्ट्री एंड स्टैम्प ड्यूटी। अगला है, इट इज़ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्री फ्रॉम ऑल लीगल बाइंडिंग। ये फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई लीगल बाइंडिंग होती नहीं है। अगला है फिफ्थ नंबर का, इसमें अलग अलग योग्यताओं के व्यक्तियों को सम्मिलित होने के कारण व्यापारिक कुशलता बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग स्किल होती हैं, तो उसमें व्यापारिक कुशलता बढ़ जाएगी। सोचने के लिए तथा निर्णय लेने के लिए कई सदस्य होते हैं, इसलिए व्यापार का प्रबंध अच्छी तरह से हो सकता है। इसमें सोचने के लिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए अपने जो व्यापार है उसका हम लोग अच्छे से जो हमारा व्यापार है उसमें अच्छे से अच्छा निर्णय ले सकते हैं। अगला है इंसेंटिव फॉर सक्सेस। यदि हमारा व्यापार बहुत अच्छा फूल रहा है तो उसके लिए उसके बाद में हम लोग को इंसेंटिव भी मिलेगा, जो उसमें जो कार्मिक है उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। पार्टनरशिप एसोसिएट टैक्स एडवांटेज विद इट। तो जो पार्टनरशिप, इसमें कुछ टैक्स एडवांटेज भी मिलता है, जो सरकार से कुछ टैक्स एडवांटेज मिलता है। पार्टनरशिप फर्म कैन बोरो मैनी
मनी इजिली फ्रॉम द बैंक। अब इस पार्टनरशिप डीड होगा तो इसके थ्रू पहले जो इंडिविजुअल था खुद का पैसा लगा रहा था, अब यदि ज़्यादा लोगों को यदि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो बैंक से भी लोन इजीली मिल जाता है। फॉर द लॉसेज देयर आर मोर देन 1% टू शेयर देम। यदि कोई बहुत लॉस हो रहा है तो यहाँ पर एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उनके ऊपर जो लॉस है वो भी शेयर हो जाएगा, तो जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उसका भारांश कम होगा। अब इसमें लाभ के साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं। अब हानियों को एक एक करके हम देखते हैं। ईच पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेट ऑफ द फर्म। जो भी प्रत्येक मेंबर होता है, जिन लोगों के बीच में पार्टनरशिप हुआ है उनके बीच में, उनके ऊपर एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। जो भी डेट होगा, जो भी ऋण होगा उसके लिए उनके ऊपर एक लाइबिलिटी होता है। सेकेंड है डेमेज ऑफ डिसएग्रीमेंट, डेंजर ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड डिस्टर्ब अमोंग द पार्टनर। इनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ने का वही थोड़ा सा संदेह होता है, आशंका होती है कि वो डिसएग्रीमेंट को तोड़ नहीं दे। ऑथोरिटी बींग डिवाइडेड अमोंग द पार्टनर, जो ऑथोरिटी है सभी पार्टनर के बीच में डिवाइड होती है, तो जो सभी पार्टनर एक जैसी दक्षता के साथ और एक जैसी कुशलता के साथ उसको क्रियान्वित नहीं कर सकते और ये उस कार्य को संपादित नहीं कर सकते। ऑल पार्टनर सफर बिकॉज ऑफ द रॉन्ग स्टेप टेकन बाई वन पार्टनर। मान लो इसमें ऑथोरिटी सब में डिवाइड है, किसी एक पार्टनर ने गलत डिसीजन ले लिया तो सारे पार्टनरों को सहन करना पड़ेगा, और बिजनेस में जो भी नफा हो या नुकसान होगा नुकसान की भी सभी को भरपाई करनी पड़ेगी। कोई भी पार्टनर अपने अंश को उस व्यक्ति को जो साझेदार नहीं है नहीं बेच सकता। इसमें क्या होगा, मान लो कोई पार्टनर छोड़ना चाह रहा है तो ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच सकता जो उसमें साझेदार नहीं है, उसी को बेचना पड़ेगा। जब कोई साझेदार अपनी पूंजी वापस लेना चाहे तो वह पूंजी तभी ले सकता है जब पार्टनरशिप का अंत कर दिया जाए, उसी पार्टनरशिप को छोड़नी पड़ेगी। किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर साझेदारी को समाप्त माना जाता है। मान लो कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पार्टनरशिप को समाप्त माना जाता है। तो ये इसकी कुछ कमियाँ थी। तो अगली क्लास में हम लोग जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने आज पढ़ा है पार्टनरशिप में कोई भी डाउट नहीं होगा। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो इसमें हमारा जो BTR है, BTR में एक बार पूछा टाइप ऑफ ओनरशिप, इसमें जो पूरा जो चार्ट है, इस चार्ट से सीधा छः जो हमारा क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन का जो एक पार्ट आता है तो सीधा इसमें पूछा हुआ है। तो ये टाइप ऑफ ओनरशिप तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये वैसे आप लोगों को इसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये दोनों परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जो हमारी क्लास है इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं। यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिख दे, और ठीक है। तो थैंक यू।